हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली पजेस्ड। आई एम श्वेता। तो हम कर रहे थे एमसीक्यू सीरीज, हमने शुरू की थी एक, ठीक है, जिसके अंडर हम सर्टेन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे विच आर हेल्पफुल इन वेरियस एग्जाम्स। तो उसी में जो है हम आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो हम तीन टॉपिक्स जिनको डिस्कस करेंगे उनमें से क्वेश्चन गारंटीड है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे हम आज। ये एमसीक्यूज आपके लिए यूज़फुल होगी अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, गेट, सीएसआईआर, नेट, आईआईटी जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मास्टर कैडर फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और या फिर बीएससी फिजिक्स में हो आप और आपके एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, सो ये एमसीक्यूज आप सबके लिए यूज़फुल होंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड शेल मॉडल स्पिन एंड पैरिटी असाइनमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम इज, ठीक है। तो शेल मॉडल में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा और क्वेश्चन इस तरीके का ही आता है। मैंने जो है अलग अलग एग्जाम्स के पेपर चेक किए हैं, ठीक है, तो उन सब में ये क्वेश्चन कॉमन था। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको स्किप नहीं करना है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको जो है कोई भी यहाँ पे देखो जैसे एलिमेंट दे दिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिथियम है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो तो बोरोन है, थर्ड वन में कार्बन है, ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो जैसे आपको यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे दिया है एंड आपको जो है उसकी ग्राउंड स्टेट की स्पिन एंड पैरिटी फाइंड आउट करनी है, ओके, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वीडियो जो है न्यूक्लियर शेल मॉडल की बहुत डिटेल में जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है अगर अच्छे से देखी होगी, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिथियम है, लिथियम में जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिख लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे होंगे 3 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को होंगे क्या होंगे, 7 - 3 विच विल बी इक्वल टू 4। अब हमने दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ शेल मॉडल, तो शेल मॉडल के थ्रू ही ये कॉन्फ़िगरेशन आती है सारी। तो जो 3p, अगर हमने 3 प्रोटॉन्स को फिल करना है तो हम कैसे करेंगे, 1s 1/2, यहाँ पे जो है 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है, जे की वैल्यू। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने फिल होंगे, टोन्स 2 फिल होंगे, ठीक है, 2 यहाँ फिल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, 1p 3/2, तो 2 यहाँ हो गए, कितना रह गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1, फाइन। उसके बाद है 4 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, 1s 2 यहाँ पे फिल हो गया एंड 2 नेक्स्ट में फिल हो गया। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट उसको कंसिडर करना है जहाँ पे अनफिल्ड जो है शेल रह जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1p 3/2 है, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड है। जैसे नेक्स्ट वन है न्यूट्रॉन्स वाला है, वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे वो पेयर्ड हो गए न्यूट्रॉन्स। बट यहाँ पे प्रोटॉन के केस में क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, जो अनपेयर्ड होगा दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड पैरिटी एंड स्पिन, तो हमने उसी को कंसिडर करना है, वही ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट हमें मिल गई है विच इज़ p 3/2, यहाँ पे जो जे होता है मैंने आपको बताया, ये जो टर्म 3/2 होती है वो जे होती है, एंड पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है दैट विल बी 1। उसके बाद जो है हमें पैरिटी फाइंड आउट करनी होती है। पैरिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लिंक करके क्या बनता है, -1 raised power L। अब यहाँ पे L क्या है, 1, तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। वो जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, उसकी स्पिन एंड पैरिटी को हम कंबाइंड कैसे लिख सकते हैं, 3/2 - ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमें ग्राउंड स्टेट की स्पिन एंड पैरिटी दोनों मिल गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूक्लियर शेल मॉडल या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, देन यू मस्ट वॉच माई न्यूक्लियर शेल मॉडल वीडियो विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बनी इसकी, 3/2 और माइनस जो है दैट इज़ पैरिटी। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, द एक्सपेक्टेड शेल मॉडल स्पिन एंड पैरिटी असाइनमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरोन इज, तो बोरोन के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन आएगी यहाँ पे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 6। अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है और चेक करना है कहाँ पे अनपेयर्ड हमें मिल रहा है न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5p है, इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1s 1/2, 2 यहाँ पे फिल हो गए। नेक्स्ट शेल में क्या आ गया, 1p 3/2, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर 6n है उनको हम फिल करें, 1s 2 1/2 2 यहाँ पे फिल हो गए। नेक्स्ट कितने रह गए, 4, तो 4 की फिलिंग हो गई। अब यहाँ पे अनपेयर्ड कहाँ पे है, ठीक है, आप यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे वो बोलेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट की स्पिन एंड पैरिटी हो लेकिन
जो न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करें या प्रोटॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सर्टेन क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेंशन कर दिया जाए कि प्रोटॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करो, न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करो, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, वहाँ पे जो है ग्राउंड स्टेट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज़ पी 3/2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो जे होगा, जे इज़ 3/2, ये जो 3/2 टर्म होती है मैंने आपको बताया वो जे होती है, एंड जो पी है पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमें जे भी मिल गया, मीन्स वी हैव गॉट स्पिन, और अभी हमें पैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो पैरिटी का फार्मूला क्या है, -1 raised power L, L यहाँ पे 1 है, तो अगेन वी हैव गॉट 3/2 माइनस, ठीक है। स्पिन एंड पैरिटी हमें मिल गई ग्राउंड स्टेट की, दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर यू पीपल, वो आपके लिए कि आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे आंसर उसका कमेंट करके बताइए। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है दैट यू पीपल विल सॉल्व एंड उसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर फ्रॉम पार्टिकल फिजिक्स। और यहाँ पे जो आपको क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रही है। एक इस तरीके क्वेश्चन होंगे, सेकेंड होंगे क्वेश्चंस कि ये रिएक्शन जो है क्यों वायलेट हो रही है, ठीक है। इसमें से कौन से लॉ की कंजर्वेशन नहीं पॉसिबल है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, या ये कोई ऑप्शन हो सकता है, या ऑप्शन में ये हो सकता है कि ये वॉयलेट क्यों हो रही है, कौन सा कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे लैम्डा हाइपरॉन है, लैम्डा हाइपरॉन प्लस प्रोटोन प्रोड्यूसर्स व्हाट, सिग्मा हाइपरॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड आपको ये बताना है दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाई स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, EM इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन, और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फॉर प्रोसीडिंग विद द आंसर आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू पीपल अ क्विक रिविजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो ये जो है ये सारे जो है फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन लॉज होते कौन से हैं जिनके बेसिस पे हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। सो फर्स्ट है टोटल बेरियन नंबर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जो कोई भी रिएक्शन है उसने बेरियन नंबर कंजर्वड होना चाहिए। सेकंड है लेप्टॉन नंबर कंजर्वड होना चाहिए। थर्ड है स्ट्रिंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व होना चाहिए। फोर्थ है पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। फिफ्थ है देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन, एंड सिक्स्थ है देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज, ठीक है। चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स पे जो है हम एक रिएक्शन को चेक करेंगे कि क्या वो इन सब लॉज को ओबे कर रही है, सब लॉज कंजर्व हो रहे हैं उसमें। बेरियन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बेरियन्स है कौन से। जो बेरियन्स होंगे उनके लिए हम जो है बेरियन नंबर +1 होगा, एंटी बेरियन्स के लिए जो है बेरियन नंबर -1 होगा, और जो बेरियन्स नहीं होंगे उनके लिए बेरियन नंबर 0 होगा। सिमिलरली फॉर लेप्टॉन्स है, ठीक है। जो लेप्टॉन्स होंगे उनके लिए लेप्टॉन नंबर +1 होगा, जो लेप्टॉन्स नहीं होंगे उनके लिए 0, एंड एंटी लेप्टॉन्स के लिए -1 होगा। आई होप आप लोगों को बेरियन्स एंड लेप्टॉन्स के रिगार्डिंग पता होगा कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है वो है आइसोस्पिन, ठीक है। आइसोस्पिन फाइंड आउट करने में आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज्ड। सो आइसोस्पिन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पायोन्स के लिए आइसोस्पिन निकाल रही हूँ। पायोन्स हमें पता है दे आर ऑफ 3 types, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3, ठीक है। 3 states में अवेलेबल है, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी यहाँ पे, 3। तो आइसोस्पिन निकालने के एक फार्मूला है मल्टीप्लिसिटी का ही है, विच इज 2i + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ से i कितना आ गया, 1, इट मीन्स i जो है हमें 1 मिला, दैट इज़ आइसोस्पिन। इट मीन्स जो पायॉन्स हैं उनकी आइसोस्पिन क्या होगी, 1। समझ लग गया ना ये, कभी आपको आइसोस्पिन निकालनी पड़े तो आपको जो है इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको उसकी मल्टीप्लिसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी स्टेट्स में अकर कर रहा है, तब आप आइसोस्पिन को निकाल पाएंगे। जैसे पायोन्स का हमें पता है 3 states में अकर कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है हमने उसकी आइसोस्पिन फाइंड आउट कर ली, विच इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है आइसोस्पिन का, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पायोन आइसोस्पिन कितनी है। जैसे हमने ये तो ओवरऑल लिख दी ना कि पायॉन्स की जो आइसोस्पिन 1 है, तो अगर हमें ईच पायॉन की आइसोस्पिन पता करनी हो तो वो क्या होगी, आइसोस्पिन वेरी करती है फ्रॉम i to -i, ठीक है। i उसके बाद i -1, ठीक है, i -1 और उसके बाद क्या आ गया, -i। अब यहाँ पे i क्या है,
प्लस वन, जो पॉजिटिव पायोन होगा उसकी आइसोस्पिन क्या हो जाएगी, प्लस वन, ठीक है, माइनस वाले की आ गई माइनस वन, एंड जो न्यूट्रल है उसकी हो जाएगी जीरो आइसोस्पिन। तरीके से आई क्या था, वन, तो प्लस वन आ गया, आई माइनस वन मीन्स वन माइनस वन जीरो आ गया, एंड माइनस आई मीन्स माइनस वन। इस तरीके से हमें जो है तीन यहाँ पे जो है आइसोस्पिन की वैल्यू मिलगी कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री स्टेट्स ऑफ पायोन्स। नेक्स्ट है जैसे केऑन्स, केऑन्स को मैंने क्यों पिक किया, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट थिंक केऑन्स जो है वो थ्री स्टेट्स में अवेलेबल हैं, बट नहीं, जो केऑन्स हैं दे आर अवेलेबल इन टू स्टेट्स, के पॉजिटिव एंड के न्यूट्रल। जो के नेगेटिव होगा दैट इज़ इट्स एंटी पार्टिकल, ठीक है, वो केऑन का एंटी पार्टिकल है, मीन्स के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल है। जो पार्टिकल्स हैं वो के पॉजिटिव एंड के न्यूट्रल ही हैं, और जो एंटी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, के नेगेटिव एंड न्यूट्रल का एंटी पार्टिकल न्यूट्रल ही होते हैं। तो इस तरीके से, सो यहाँ पे जो 2i प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू 2, केऑन के मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पे हमें आइसोस्पिन i जो है वो मिल गया कितना 1/2। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू केऑन्स, तो क्या आ जाएगा, के पॉजिटिव के लिए जो आइसोस्पिन होगी दैट इज 1/2 प्लस, एंड के नेगेटिव के लिए सॉरी जो के न्यूट्रल के लिए होगी दैट इज -1/2, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हम अलग अलग जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स उनके आइसोस्पिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो है उनकी मल्टीप्लिसिटी पता होनी चाहिए, ओके। वी हैव स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ एक बार कि वैल्यूज़ है क्या क्या वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो पहले हम ज़ीरो से शुरू कर लेते हैं कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर ज़ीरो है। तो अगर आपके पास पायोन्स हैं, ईटा पार्टिकल है और न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर ज़ीरो है। हैं केऑन्स, ठीक है, केऑन्स के लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है प्लस वन। तो नेक्स्ट वी हैव सिग्मा हाइपरॉन्स, लैम्डा हाइपरॉन्स, केऑन्स के एंटी पार्टिकल्स, ठीक है, तो उन सब के लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है दैट इज़ माइनस वन, ठीक है। सिग्मा पार्टिकल्स जो हैं, सिग्मा हाइपरॉन्स एंड लैम्डा हाइपरॉन्स को आपको याद रखना है, और ये जो केऑन्स हैं हमें पता ही है, जो केऑन्स पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर प्लस वन है, और जो उनके एंटी पार्टिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर माइनस वन होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास कैस्केड हाइपरॉन्स, ठीक है, जो कैस्केड हाइपरॉन्स हैं उनके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर माइनस टू है, एंड जो यहाँ पे ओमेगा हाइपरॉन है उसके लिए माइनस थ्री है। तो आई होप आपको सारे पार्टिकल्स जो हैं उनके रिगार्डिंग जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो पता चल गया होगा कि क्या क्या वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है दैट इज़ हाइपर चार्ज, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बाय वाई, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है बी प्लस एस, मीन्स बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे प्रोटोन है, ठीक है, तो प्रोटोन के लिए बेरियन नंबर वन है बिकॉज वी नो इट इज़ अ बेरियन, और स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जीरो है बिकॉज ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटोन है उसके लिए हाइपर चार्ज कितना आ गया, प्लस वन। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पिक किया है न्यूट्रल कैस्केड हाइपरॉन जो है, ठीक है, तो कैस्केड हाइपरॉन बिकॉज दे आर ऑल्सो बेरियन्स, तो उनके लिए जो है बेरियन क्वांटम नंबर होगा वन, एंड जो हाइपर सॉरी जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो हमने अभी पढ़ा दैट इज माइनस टू, तो जो हाइपर चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू वन माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरीके से जो है आप वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए हाइपर चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी है और पूछा है इनमें से कौन सी इंटरेक्शन से जो है दिस इक्वेशन विल प्रोसीड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होगी उसमें जो सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज हैं दे विल बी ओबेड, ठीक है, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर जो है, चार्ज है, आइसोस्पिन है, हाइपर चार्ज है, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है, ऑल दीज विल बी कंजर्वड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो अगर हम बात करें EM इंटरेक्शन की, जो EM इंटरेक्शन है उसमें भी ये सारे लॉज ओबे होंगे एक्सेप्ट आइसोस्पिन, ठीक है, जो आइसोस्पिन है दैट वॉन्ट बी ओबेड इन EM इंटरेक्शन, ओके। उसके बाद जो वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन में जो है स्ट्रेंजनेस है, ये जो हाइपर चार्ज है एंड आइसोस्पिन है, तीनों ओबे नहीं होंगे। देयरफोर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस वो होंगी जिनमें सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज ओबेड होंगे। ईम इंटरेक्शन में भी सारे ओबे होंगे एक्सेप्ट आइसोस्पिन, आइसोस्पिन जो है दैट इज़ ओनली द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है, वो ईम इंटरेक्शन में नहीं कंजर्व हो रहती। और उसके बाद है वीक इंटरेक्शन, ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन में जो स्ट्रेंजनेस है, हाइपर चार्ज है, पैरिटी है, आइसोस्पिन है, इसमें से कोई भी लॉ
ओबे नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं होगा। तो बस अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है सारे लॉज अप्लाई करके देखने हैं एंड देन यू विल गेट टू नो कि ये कौन सी इंटरेक्शन है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे चार्ज, ठीक है, तो लैम्डा हाइपरॉन का चार्ज है 0, प्रोटॉन का चार्ज है 1, सिग्मा हाइपरॉन का चार्ज है 1, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, तो हेंस चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड है बेरियन नंबर, तो ऑल आर बेरियन्स, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे बेरियन नंबर भी कंजर्व हो रहा है, 1+1 2 1+1 2, ठीक है। तो सेकेंड जो लॉ है कंजर्वेशन लॉ, दैट इज ऑल्सो ओबेड। वी हैव लेप्टॉन नंबर, नन ऑफ देम इज़ लेप्टॉन, इनमें से कोई भी लेप्टॉन नहीं है, तो सबके लिए लेप्टॉन नंबर 0 आएगा एंड अल्टीमेटली लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो गया यहाँ पे। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, जो लैम्डा हाइपरॉन है उसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है -1, पी के लिए 0, सिग्मा के लिए भी है -1, न्यूट्रॉन के लिए भी है 0, तो अल्टीमेटली जो है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर वो भी कंजर्व हो गया। वी हैव हाइपर चार्ज, हाइपर चार्ज क्या होता है, B+S बेरियम क्वांटम नंबर प्लस जो है यहाँ पे स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, तो B+S आप करोगे जब 1-1 क्या हो गया यहाँ पे 0, 1+0 1 ही आ गया, एंड यहाँ पे देखो 1+-1 फिर से 0 एंड 1 के साथ 0 क्या आ गया 1, अगेन हाइपर चार्ज जो है वो भी यहाँ पे क्या हुआ कंजर्व। फर्स्ट है यहाँ पे आइसोस्पिन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल पार्टिकल की आइसोस्पिन फाइंड आउट करनी है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो लैम्डा हाइपरॉन है उसकी सिर्फ एक ही स्टेट है, मींस 2i+1 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, तो हमारे पास आइसोस्पिन जो आ गई 0, जो i3 है दैट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद आई प्रोटोन की बारी, प्रोटोन जो है मींस वो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन 2 स्टेट्स में है, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2, जो i3 हमें मिला दैट इज़ 1/2। सिग्मा हाइपरॉन जो है उसकी स्टेट्स 3 होती हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, तो यहाँ पे 3 आ गया, अल्टीमेटली आइसोस्पिन i0 एंड i3 आ गया 1। लास्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन ही है वो, ठीक है, तो प्रोटॉन को अगर हम i3 1/2 असाइन करते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए -1/2 हो जाती है। सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज यू विल सी दैट आइसोस्पिन इज ऑल्सो कंजर्वड ओवर हियर। We have got to know that in this reaction all the conservation laws are obeyed. ठीक है, सारे के सारे conservation laws यहाँ पे obey हो रहे हैं, it means this reaction will proceed by strong interaction. समझ लग गए, हो गया clear अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिएक्शंस के रिगार्डिंग ही है, ठीक है, तो आपको ये जो है यहाँ पे चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। सो फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अ पायोन विच इज पाई प्लस है। फर्स्ट हम इसको चार्ज के बेसिस पे चेक करेंगे, सो प्रोटॉन चार्ज 1 हो गया एंड न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज 1 आ जाएगा एंड जो पायोन है दैट इज़ अगेन जो है पॉजिटिव 1, तो चार्ज तो यहाँ पे कंजर्व हो गया। सो नेक्स्ट मूविंग टू बेरियन नंबर, सो दे ऑल आर बेरियन्स एक्सेप्ट पायोन जो है यहाँ पे, पायोन्स हैं वो बेरियन्स नहीं है, तो अगेन बेरियन नंबर जो है दैट इज़ ऑल्सो कंजर्वड। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंजनेस, तो इनमें से कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, सो सबके लिए जो है स्ट्रेंजनेस नंबर 0 रहेगा, अगेन इट इज़ कंजर्व्ड। देन मूविंग टू आइसोस्पिन, ठीक है, जब आइसोस्पिन हमने प्रोटॉन के रिगार्डिंग फाइंड करनी है, तो हमें पता ही है कि प्रोटॉन मीन्स जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके 2 स्टेट्स पॉसिबल हैं, तो जो प्रोटॉन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है दैट इज़ 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2+1/2, और न्यूट्रॉन जो है उसके लिए क्या होता है -1/2, अगेन प्रोटॉन के लिए +1/2। पायोन्स जो है दे एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2i+1 इज इक्वल टू 3, तो i यहाँ पे 1 आ गया और जो i3 है दैट इज इक्वल टू +1, तो अगेन जो है यहाँ पे आइसोस्पिन भी कंजर्व होगी, हेंस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, तो सारे लॉज जो है इसमें ओबेड हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस रिएक्शन विल अकर बाय अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वैसे तो ये होल हमने MCQ सीरीज़ शुरू की है, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट फॉर यू पीपल, टेस्टिंग योर प्रिपरेशन दैट हाउ मच यू पीपल हैव प्रिपेयर्ड, बट अलॉन्ग विद दैट सर्टन क्वेश्चंस में मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको जो है शेल मॉडल का थर्ड जो MCQ था वो आपको जो है खुद करने के लिए बोला, सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन जो है वो खुद कीजिए। ऑल्दो सारे के सारे क्वेश्चंस ही वैसे आपके लिए टेस्ट हैं, बट ये आंसर्स मैं आपको बाद में बताऊँगी जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बस मुझे कमेंट करके बता देना आप, और ये जो टेस्ट है इनको आप सॉल्व कीजिए और इसके भी मुझे जो है आप बताइए दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, आगे कितने आंसर जो है करेक्ट हुए, ठीक है, वो सब भी डिस्कस कीजिए सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले, है ना, एवरीवन कैन चेक द प्रिपरेशन कि हम कहाँ पे लाए कर रहे हैं, हमारे जो है बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ वाले वो कहाँ पे लाए कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी देख लो इधर ही क्या है, द रिएक्शन इज प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन प्लस
लेमडा हाइपरॉन एंड सिग्मा हाइपरॉन, ठीक है। तो सिग्मा है यहाँ पे, दैट इज़ पॉजिटिव, लेमडा वी नो इट्स न्यूट्रल। अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, चार्ज जो है प्रोटोन पे 1 पॉजिटिव मीन्स आ गया, ठीक है, पॉजिटिव है ही पॉजिटिव पॉजिटिव, और लेमडा हाइपरॉन का चार्ज है 0, सिग्मा का है 1 बिकॉज प्लस वाला ए, तो चार्ज तो हो गया कंजर्व। नाउ नेक्स्ट इज बेरियन नंबर, ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर बेरियंस, प्रोटोन, लेमडा हाइपरॉन एंड सिग्मा हाइपरॉन, दे ऑल आर बेरियंस, तो दैट्स वाई यहाँ पे बेरियन नंबर नहीं कंजर्व हो रहा, दैट्स वाई दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर। सो जो थर्ड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ठीक है, शेल मॉडल हो गया, उसके बाद जो ये कंजर्वेशन लॉज हैं एंड देन जो है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ये द एसिमेट्री टर्म्स इन द विट्ज़ेकर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला इज़ बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो अगर आपने सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला अच्छे से पढ़ा है, यू मस्ट नो दैट सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में वी गेट 5 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, 5 टाइप की जो है हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। वन ऑफ देम इज़ बिकॉज ऑफ द एसिमेट्री टर्म, ठीक है, और जो एसिमेट्री वाली हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है उसका रीज़न क्या है, तो हमें वही आंसर में बताना है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होती है, दैट इज़ वॉल्यूम एनर्जी, सेकेंड वी गॉट सर्फेस एनर्जी, देन वी गॉट कूलम एनर्जी, देन फोर्थ वन इज़ एसिमेट्री एनर्जी एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑड इवन इफेक्ट, ठीक है, जो पेयरिंग एनर्जी उसको हम कह देते हैं। और ये जो है एसिमेट्री एनर्जी, ठीक है, ये क्यों अराइज होती है, द रीज़न बिहाइंड इज़, यहाँ पे देखो, फर्स्ट है नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन है नॉन जीरो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड है अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, फोर्थ है ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था मैंने, जो एसिमेट्री एनर्जी है, दैट हैपन्स बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ जनरली जो मोस्ट स्टेबल हमें जो मिलते हैं एलिमेंट्स, दे आर द वन जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। बट व्हेन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तब क्या होता है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी अराइज होती है, जो स्टेबिलिटी है एलिमेंट की वो डिक्रीज होने लग जाती है। सो द एक्सेस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यू कैन से एन माइनस जेड जो हैं, दे गिव इट एसिमेट्रिकल करेक्टर, समझ गए ना, उससे लिंक हुआ, जब n इज़ इक्वल टू z है तब तो स्टेबल है, ठीक है, जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक्सीड होने शुरू हो गए तब स्टेबिलिटी डिक्रीज होने शुरू हो गई, एंड यू विल फाइंड सम एसिमेट्रिकल करेक्टर इन द एलिमेंट, फाइन। सो n माइनस z जो है, दे गिव राइज टू एसिमेट्रिकल टर्म, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अनइक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर एम ए जेड है यहाँ पर अटोमिक नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू 1/c², फंक्शन ऑफ ए प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड स्क्र, वेयर एफ ए इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, वाई इज इक्वल टू -4a, जेड इज इक्वल टू a raised power -1/3 plus 4a a raised power -1 for fixed a most stable z is. So this question is from मास पैराबोलास, ठीक है। तो हमने जब ये स्टडी किया टॉपिक, तो मास पैराबोला का टर्म भी आया था, वो भी हमने डिस्कस किया था अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से ही है, मास पैराबोला से। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस, जब हमने जो है मोस्ट स्टेबल फाइंड आउट करना है, व्हाट वी विल डू, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उसके अबाउट जो डिफ्रेंशिएशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो आप जो है इसको, जो आपको दिया हुआ है डेल एम अपॉन डेल जेड करके, इसको आप सॉल्व कर लो, व्हेन यू विल डिफरेंशिएट यू विल गेट वाई प्लस 2 जेड जेड इज इक्वल टू 0। सो जेड आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू -2 - y/2z। तो y की वैल्यू गिवन है, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल दिस यू विल गेट इट इक्वल टू a/2 1 + ac/4a एंड साथ में क्या आ जाएगा a^2/3, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल जो है हमें इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास पैराबोलास एंड बाय डिफरेंशिएटिंग देम, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने करवा दिया है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जो है, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी मैं साथ में लिंक कर दूंगी। इफ़ एनीवन वांट टू नो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग डिके मोड्स, ठीक है, अल्फ़ा डिके एंड बीटा डिके, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज़ के अल्फा इन एन अल्फा डिके इन टर्म्स ऑफ द क्यू रिएक्शन इज गिवन बाय,
ठीक है, तो ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था बिकॉज जब हमने आपके मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद होगा, तो वही फार्मूला जो है, बस उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछा, वो आई रिमेंबर कि वो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल था जिसमें वैल्यूज़ गिवन थी, तो आपको फाइंड आउट करनी थी कर्नाटक एनर्जी। सो आई थिंक आपको फार्मूला जो है वो याद होगा, कौन सा इन चारों में से फार्मूला कर्नाटक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड आउट करने का, दैट इज़ ऑप्शन ए विच इज़ ए माइनस फोर बाय ए इंटू क्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फर्स्ट है यहाँ पे बीटा नेगेटिव डिके, सेकंड है बीटा पॉजिटिव डिके, एंड देन थर्ड है अल्फा डिके, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फिफ्थ है न्यूट्रॉन एमिशन, आउट ऑफ विच पॉसिबल डिके मोड फॉर पोटेशियम, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये पांचों मोड हैं इनमें से जो पोटेशियम है वो कौन सा, इट विल अंडरगो विच मोड, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। सो वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दे आर एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से जब वो अनस्टेबल स्टेट में है, व्हेन दे वांट टू कम इन द स्टेबल स्टेट देन दे एमिट अल्फ़ा पार्टिकल्स, फाइन। और यहाँ पे जो है जब ये, वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज अल्फ़ा डिके तब होता है जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो, ठीक है, जब भी रेडियो एक्टिव एमिशन होगा या जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं व्हेन दे वांट टू कम फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट तब जो है अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है। अब बीटा डिके कब होता है, बीटा डिके तब अकर होता है जब किसी न्यूक्लियाई में एक्सेस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, बिकॉज तब भी वो अनस्टेबल होगा अगर उसमें एक्सेस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, व्हेन दे हैव इनसफिशिएंट एनर्जी टू एक्सपेल देम, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स तो हैं, अनस्टेबिलिटी तो है, लेकिन स्टेबल होने के लिए जो जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है उसको एक्सपेल करने की वो नहीं है, सो इन दैट केस दे विल अंडरगो बीटा डिके। तो बात करते हैं हम पोटेशियम की, पोटेशियम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है, तो इट विल अंडरगो बीटा डिके, यहाँ से ही क्लियर हो गया वैसे तो। बट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें जो प्रोटोन है, अटोमिक नंबर है 19, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 40 - 19 विच इज़ 21, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो बीटा डिके टू अचीव द स्टेबल स्टेट, ठीक है। या तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन में हमें पता है जो पेरेंट एलिमेंट होता है दैट जो है दैट डिसइंटीग्रेट्स इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई जिसमें उसका मास नंबर एक्सीड कर जाता है बाय वन एंड बाय द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम की बात हो रही है। सेकेंडली जैसे आर्गन है, अगर आर्गन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है विच इज़ ऑल्सो स्टेबल, तो इट विल बी फॉर्म्ड बाय पॉजिट्रॉन एमिशन और यू कैन से बीटा पॉजिटिव डिके जो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, बीटा पॉजिटिव डिके के कारण ये हो गया। एंड वी नो जब बीटा पॉजिटिव डिके अगर कहीं अकर हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी पॉसिबल है, मैंने आपको समझाया था ये बात, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो हैं दे आर द सेम, बट ये दोनों जो हैं दे कम्पीट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी विच सेज दैट पोटेशियम विल फॉलो द डिके मोड ऑफ बीटा डिके विच इंक्लूड बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके एंड अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर शेल मॉडल, ठीक है, ये क्वेश्चन शेल मॉडल के रिगार्डिंग ही है, बिकॉज जब हम शेल मॉडल पढ़ते हैं तो हम उसकी सक्सेसेस एज वेल एज लिमिटेशंस को भी स्टडी करते हैं, एज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इन द वीडियो। सो यहाँ पे जो है जो हमने वो पॉइंट कंसिडर करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है शेल मॉडल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो डिटर्मिन करती है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ये तो करेक्ट है, बिकॉज हम एस एंड जे की वैल्यू जो है, ठीक है, एस एल एंड जे यही तीनों वैल्यूज जुड़ती हैं एंड वी गेट द ऑर्डर ऑफ द शेल्स जो है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स, तो फर्स्ट तो ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड है ईच न्यूक्लियॉन इन न्यूक्लियस मूव्स इंडिपेंडेंटली, ये भी करेक्ट है, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है, तभी तो हम उनको शेल का नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने देखा अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल दैट ईच न्यूक्लियॉन ऑल्सो मूव्स इंडिपेंडेंटली इन द न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, वी आर अप्लाइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन जो है दैट इज़ एज अ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल फील्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एवरेज फील्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है।
So today we have discussed most important questions of nuclear and particle physics, which were of shell model. Then we discussed about conservation laws, and then humne padha regarding some empirical mass formula, and then decay modes. ठीक है, ये बहुत important topic हैं. And जो भी मैंने जो चैनल पे वीडियोस करवाई हैं इनके रिगार्डिंग, ठीक है, दैट आई एम एडिंग इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट अगर आपको किसी को उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, सो दैट यू कैन चेक दैट वीडियो. एंड अलॉन्ग विद दैट, जो आज जो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो इनकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रही हूँ. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे, बिकॉज हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. So thank you everyone, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you once again.